आइडिया क्या आ चुका है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो क्या है, कि सबसे पहली बात तो क्या है, एंजाइम्स क्या होने चाहिए हमारे पास, डीएनटीपीज होने चाहिए। अभी आप देख चुके हैं डी एंड, बार बार क्यों मेंशन किया जा रहा है एनटीपीज, क्योंकि आप न्यू दिस इज व्हाट, डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड का हम लोगों ने पूरा चैप्टर देखा था तो उसमें हम लोगों ने प्रॉपरली नाम मेंशन किया था कि कब हम न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट कह रहे हैं, कब हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, जो भी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे अगर मोनोफॉस्फेट लगा दे तो क्या मैकेनिज्म होगा? नहीं, क्योंकि दो पायरोफॉस्फेट जो रिलीज होते हैं उनका अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अभी हम लोग देखेंगे। तो ये डीएनटीपीज, रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनटीपीज, रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनटीपीज जो है वो क्या है, इट इज वेरी एसेंशियल, एसेंशियल फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस, राइट। टेम्पलेट एंड प्राइमर हम लोगों ने देखा क्या रिस्पॉन्सिबल है, और हम लोगों ने और क्या रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम्स। अगर अभी आप लोग बच्चों एंजाइम्स की बात करें तो हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज का एक ओवरव्यू दिया है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक का केस हो या यूकैरियोटिक का केस हो। तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया है कि कितने पॉलीमरेजेस होते हैं और वो कहाँ कहाँ, इस डीएनए पॉलीमरेजेस कितने तरह के होते हैं, किस तरह से फैमिली में ग्रुपिंग्स है, कहाँ कहाँ वो स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे हैं। और हम लोगों ने, पर हमें आगे भी बढ़ना है कि इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में यस डीएनए पॉलीमरेज प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहा है पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए वो डीएनए पॉलीमरेजेस है। बट और भी जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं वो, जैसे कि हेलिकेज है, टोपो आइसोमरेज है। तो अभी ही हम लोग यहाँ पे बात ये कह सकते हैं क्योंकि टोपो आइसोमरेज पे पूरा एक कंप्लीट लेक्चर ही डिस्कस हुआ है, पूरा कंप्लीट लेक्चर डिस्कस हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जैसे ही टोपो आइसोमरेज आएगा सिर्फ एक दो नाम होंगे, जैसे प्रोकैरियोट के केस में हम लोग डीएनए गायरेज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ये सारा, ये भी बात डिस्कस हो चुकी है इसमें। और टोपो आइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉलिंग को रिलैक्स करता है, निगेटिव सुपर कॉलिंग, और ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको वो चीजें रिलेट करनी होगी। फिर है SSBP प्रोटीन्स हैं और वो भी हम लोग देखेंगे कि ये क्या होती हैं। प्लस जब प्राइमर, हाँ प्राइमर ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम है, प्राइमेज। प्राइमेज क्या है, डीएनए डिपेंडेंट, अब एकदम याद होना ही शुरू होना चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट। एक ऐसा पॉलीमरेज जो कि डीएनए को देखकर आरएनए बना रहा है, प्राइमेज। तो ये रिक्वायर्ड होता है क्योंकि क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको एक प्राइमर की जरूरत होती है, और प्राइमर कौन सिंथेसाइज कर रहा है, प्राइमेज, ठीक। उसी तरीके से बाद में जब डीएनए कंप्लीटली रेप्लीकेट हो जाता है तो जहां जहां प्राइमर अवेलेबल हैं, जहां जहां प्राइमर अवेलेबल हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट ये अपनी अपनी बातें होंगी। उसके बाद जहां जहां निक या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है जहां पे ब्रेक होगा उसको सील आउट करने के लिए लाइगेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोगों ने ये भी एक क्या है, ये अभी हम फिर से बोलेंगे, यहाँ पे कोई भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक अभी स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है, जहां पे बात हुई है वो मेंशन कर दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज में, जहां आपको अपनी एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक। और बाकी हम लोग देखेंगे कि कौन कहाँ पे किस तरीके की चीजें काम करती हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक, अब जैसे यहाँ पे और भी प्रोटीन्स भी होती हैं, है ना, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि डायरेक्ट करेंगी इन एंजाइम्स को लोड होने में, मदद करेंगी आगे बढ़ने में। तो काफी प्रोटीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक। और भी मैकेनिज्म है जहाँ पे कुछ इस तरीके के क्लैम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी हम लोग एक ओवरव्यू ही देख रहे हैं तो हम लोग के पास ये पूरा एक टोटालिटी में आइडिया होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्योंकि एक पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं तो अब हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म डीएनए पॉलीमरेज का जैसा होता है वो सभी उसी तरीके से मैकेनिस्टिक रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये जो ग्रीन में रिप्रेजेंट किया गया है, वॉट इज दिस, दिस इज प्राइमर, दिस इज प्राइमर, ठीक है। और ये प्राइमर किसका है, आरएनए है। किसने ऐड किया, प्राइमेज ने ऐड किया। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक, अटैकिंग दिस वन एंड द रोल ऑफ पायरोफॉस्फेट, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक दिमाग में पिक्चर आपके होनी चाहिए।
तो अब थोड़ी सी चीज़ जो है हम लोग स्टेटमेंट वाइज भी चीज़ों को देखना शुरू कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमेशा जब भी हो तो नई सिंथेसिस के लिए, जब भी नई सिंथेसिस हो तो हमें चार फोर एसेंशियल डी एन टी पीज चाहिए होते हैं। डी एन टी पीज, GDGTP, DCTP, और आप जितना भी पढ़ के जाएं आपको लगता है कभी कभी जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी चार ऑप्शन में आराम से कंफ्यूज कर सकते हैं इन द नेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो हमने पहले ही कहा है क्या याद रखना है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मान लीजिए एक ऑप्शन में दिया है सिर्फ न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर प्लस बेस। एज सून द फॉस्फेट ग्रुप से अटैच इट बिकम्स कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, एंड और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के पास क्या होता है, थ्री फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज मस्ट बी योर प्रैक्टिस। और ये कहाँ अटैच होते हैं, कहाँ अटैच होते हैं, फाइव प्राइम ओएच पे अटैच होते हैं। तो इस तरीके से एकदम चीजों को तोड़ तोड़ के एकदम हर चीज को देख लेना है। और क्या एसेंशियल है, टू प्राइम पर डी ऑक्सी राइबोज होना चाहिए, तभी आप किसकी बात कर सकते हैं, रेप्लीकेशन की। अब डीएनए रेप्लीकेशन की, अब आपने रेप्लीकेशन स्टार्ट कराया है, उसको टू डी ऑक्सीराइबोज की जगह सिर्फ ऑक्सीराइबोज दे दिया, तो क्या होगा, रेप्लीकेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है, टूट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या चीज अटैच है। जैसे कि यहाँ पे फाइव कार्बन पे इस तरीके से ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं, फर्स्ट कार्बन पे ये बेस अटैच है, और ये थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या अवेलेबल होगा, यहाँ पे एच होता है, मतलब ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो सो दिस शुड बी द फीचर ऑफ सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चीज जानकारी हासिल की। एक दूसरी चीज, अब हम लोग के दिमाग में टेम्पलेट और प्राइमर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग और उसको देख भी सकते हैं कि अब अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने किया, दिस इज थ्री प्राइम एंड दिस इज फाइव प्राइम, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पर लगा दिया है प्राइमर, ठीक। तो आपको बताना है कि जो प्राइमर जब हमने लगाया तो जो सिंथेसिस होगी वो सिंथेसिस किधर से किधर होगी, मतलब यहाँ से यहाँ होगी, कहने का सेंस है ये, मान लेते हैं दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी, या आप ये आपके पास ये ए ऑप्शन मैंने दिया है, ये बी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जब हमने ऐसे प्राइमर बस लगा लिया, तो आप यहाँ इसके ऑपोजिट क्या लगाएंगे, थ्री प्राइम, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, फाइव प्राइम। क्या थ्री टू फाइव सिंथेसिस होगी, तो यानी मैंने कंफ्यूज करने के लिए क्या, मैं क्या, वो एग्जाम में क्वेश्चन में इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज किया जाता है, क्या ये सिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। तो अभी अगर हमने थ्री टू फाइव टेम्पलेट ऐसे बनाया है और यहाँ पे ये सिंथेसिस ऐसे कर दी है, मैंने ऐसे प्राइमर लगाया, तो क्या ये सिंथेसिस हो सकती है, क्योंकि मैंने कितनी, देखिए वो जो चीज हम लोग टाइम दे रहे थे, मैंने आपको वही बोला, जो बच्चा खुद ड्रॉ करेगा, ड्रॉ करके खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि ये जो है ये आपका थ्री प्राइम फाइव प्राइम हम ऐसे लिख रहे, तो प्राइमर क्या होगा, यहाँ ऐड होगा इस तरीके से, तब यहाँ पे इसको, सोचिए हम लोग 1 घंटे से सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कशन, कुछ और डिस्कस ही नहीं हुआ है, तब ये सिंथेसिस पॉलीमरेज जो एंजाइम आएगा इतना बनाया, राइट, क्या बना रहे थे, क्या ये जो पॉलीमरेज एंजाइम जो इस तरीके से हम लोग बना रहे थे, और सोचिए कितने, मेरे ख्याल से कितनी स्लाइड्स चली होंगी, कि एवरी टाइम मुझे तो लग रहा था कि कहीं आपको लोग को लग रहा होगा कि अरे वही वाली, मतलब हम लोग को आ गया आ गया, बट एवरी टाइम हम क्या दिखा रहे थे, आप लोग एवरी टाइम हर स्लाइड में स्पेसिफिकली दिखाया जा रहा था कि वो दो चीजों को रीड आउट कर रहा है, OH को यू रीड कर रहा है, राइट, यहाँ फाइव से थ्री। अब क्या है, पहले मॉलिकुलर मॉडल को समझते हुए प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था, लाइन डायग्राम्स को, अब इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे बनाएं,
राइट दिस वे, आप ऐसे बना सकते हैं ना कि ये क्या है, ये क्या है 5 prime 3 prime, और यहाँ पे क्या है 5 prime 3 prime. अब ये क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप होगा, इसको दिखेगा OH ग्रुप. तो चाहिए ये पिक्चर जो है कितनी बार दिखाया गया. अब क्या होता है बच्चों, हम द मोमेंट टीचर और एनी लेक्चर प्रोफेसर सेज द सिंथेसिस इज 5 to 3, स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसको याद कर लेते हैं कि सिंथेसिस 5 to 3 होती है, पर एप्लीकेशन जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, यू विल हैव नो रिजल्ट. ठीक, तो यहाँ पे बात वही आई कि भाई यहाँ पे ये क्या होगा, ये देखेगा क्या, देखेगा 3OH. यहाँ पे इसको कहाँ दिख रहा है, क्योंकि 5 prime पे क्या होता है फॉस्फेट. एवरी टाइम जरूरी नहीं कि आपको बना बना के दिखाया जाएगा कि 5 prime पे फॉस्फेट होता है, 3 prime पे OH होता है, ऐसा नहीं होगा. बस ये लिख दिया, अब ये अंडरस्टूड है आपके पास. सपोज ये इसको रेप्लीकेट करना है, ठीक है, ये एक DNA स्ट्रैंड है, तो ये अब किधर से किधर रेप्लीकेट होगा. अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रही हूँ ए या बी साइड से. क्या है सबसे पहला तुरंत क्या क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इसमें प्राइमर नहीं है. तो जब तक प्राइमर दिखाया ही नहीं गया है तो फिर हम क्या बात करेंगे, कहाँ से कहाँ होगा. तो चलिए इसको अब हमने खोल दिया है. खोलने के बाद हमने एक प्राइमर यहाँ लगा दिया है. अब कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी, मतलब ए साइड मूव करेगा या बी साइड. पर अब यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइमर तो है, प्राइमर इज प्रेजेंट बट एंड्स आर नॉट मेंशन, मतलब 5 prime 3 prime मेंशन नहीं है, तो कैसे बताएं. अब मैंने क्या किया, यहाँ 5 prime यहाँ 3 prime लगा दिया, अभी हो जाएगा. तो अभी आपने इसके लिए आंसर क्या बोल देंगे, आप सब लोग जान गए इसके लिए क्या आंसर बोलेंगे कि 5 prime 3 prime अब क्लियर है, तो 3 prime से सिंथेसिस इस तरीके से शुरू होगी. तो हम कह सकते हैं यस, 5 prime से 3 prime सिंथेसिस हो रही है और फिर आपको एक DNA मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपके, आपको हमने 2 strand दिए हुए हैं और 2 strand दे दिए हमने और मेंशन कर दिया दिस इज 5 prime 3 prime 3 prime 5 prime. कहाँ कहाँ कैसे, ये दोनों स्ट्रैंड अब आपको मानना है कि दीज आर पैरेंटल स्ट्रैंड. अब डॉटर स्ट्रैंड बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे थोड़ा इसको भाई सेपरेट हुआ होगा, ये सेपरेट होने, चलिए मैंने कर दिया 5 prime 3 prime, थोड़ा सा दूर कर दिया ताकि आप प्राइमर ऐड कर पाए. उसके बाद हम आपको दे रहे हैं ए प्राइमर बी सी डी, ए बी सी डी. कौन कौन से प्राइमर सही हैं, किसकी मदद से, कौन से प्राइमर की मदद से आप दोनों ही स्ट्रैंड को रेप्लीकेट कर सकते हैं. तो जब आप कोशिश करेंगे तो ये ब्लैक में 5 prime to 3 prime है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 prime 5 prime होगा, एंटी पैरेलल ऑपोजिट ही हम एडजस्ट करेंगे तो 5 prime. अब यहाँ पे क्या OH ग्रुप मिलेगा, तो ए तो कैंसिल हो गया. यहाँ पे हम 5 prime 3 prime कर सकते हैं, यहाँ OH ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा तो बी मिल जाएगा. यहाँ पे 5 prime और 3 prime ऐसे होगा तो बी और सी, यानी यहाँ पे भी 5 से 3 3 पर OH ग्रुप मिल जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगी. डी में यहाँ पे आप 3 prime लगाएंगे, यहाँ 5 prime, राइट. तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 5 prime पे तो OH ग्रुप मिलेगा नहीं, तो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी एंड सी. क्या ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो सकता है, अगर हो सकता है तो कहाँ आप प्राइमर कहाँ रखेंगे. एक ऑप्शन है कि नहीं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है कि ए पोजीशन या बी पोजीशन, कहाँ पे आप प्लेस करना चाहेंगे. यहाँ पे हम रखेंगे 5 prime आ जाएगा और ये 3 prime, यहाँ पे ए बी सी डी, ए और डी, ठीक है. अगर सपोज एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर सपोज ये प्राइमर है ग्रीन कलर में, क्या इस स्टैंड पे सिंथेसिस हो सकती है, यहाँ पे
ये ऐसे सिंथेसिस कर सकता है। तो रीजन क्योंकि यहाँ पे तो इस कंडीशन में तो यहाँ पे आप ऐड नहीं कर रहे थे, पर जब ये इस तरीके से फॉर्म हो गया तो आप कह रहे हैं ये सिंथेसिस कर लेगा, क्यों? आप खुद ही जवाब दीजिए। दोनों ही स्ट्रैंड जो ऊपर बना है नीचे बना है मैंने सेम बनाया है, बस इसको मैंने यहाँ लूप कर दिया है। पहली चीज की यहाँ पे जो है प्राइमर हमने ऐड करके दिखाए ही नहीं, मैंने यहाँ ऐड ही नहीं किया और ना मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमर ऐड होने में भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। पर जब हमने थोड़ा सा लूप बनाया और यहाँ प्राइमर दिखाया, तो ये लूप बनाने का जो फायदा हो रहा है कि ये वाला, ये जो रेड वाला स्ट्रैंड है, रेड को ध्यान से देखना है, ये जो रेड वाला जब लूप बना रहा है तो ये थोड़ा सा खुद को टेम्पलेट स्ट्रैंड खुद को थोड़ी दूर के लिए 3' to 5' में ओरिएंट कर रहा है। ओरिएंट करने का मतलब क्या हो रहा है कि ये इस तरह ओरिएंट हो जा रहा है कि अब अगर हम यहाँ प्राइमर लगाएं तो वो सिंथेसिस कर सकता है, अगर प्राइमर लग जाए तो। ये जो है कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिस पर ही सारी बातें आती है जो आप लोग बोलते हैं ओकाजाकी, सेमी डिसकंटिन्यूस और ये सारी जो बातें हैं उसको आप प्रूफ कर पाते हैं। तो अब आप पहले तो ये समझ जाइए कि हाँ हमें प्राइमर कहाँ प्लेस करना है, कब प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, क्या क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ समझने के बाद आपके दिमाग में अब एक चीज़ तो स्टिक आउट कर गई है कि अगर हम बोलते हैं कि सिंथेसिस 5' to 3' होती है, इसका मतलब यह है कि हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' होगा, ठीक है। तो जब भी आपका टेम्पलेट, तो अब आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए अगर आप उनको वापस से देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि आपका जो टेम्पलेट है वो 3' to 5' है, तभी आप जो है प्राइमर लगाते हैं तो वो 5' to 3' लगाते हैं। तो चलिए हम लोग वापस अपने चीज पे आ जाते हैं, ये हम लोग की और प्रैक्टिस हो चुकी है, आई होप स्लाइड सबको दिख रही होगी। तो हम लोग एक बार जो हम लोगों ने बात की है, हम लोग उस चीज को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने ये रेप्लिकेशन बनाया था, ठीक है, जहाँ पे हमारा, हमें अभी क्लियरली ये दिख रहा है कि ये हमारा, ये जो 5' है, दिस 5' 3'। अब बच्चों देखिए, ध्यान से सुनना है, हम जब बोल रहे हैं, जैसे क्या होता है कभी कभी इंटरव्यू में इस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश है, बोला मैंने क्या 5' to 3', ठीक है, और प्राइमर हम क्या लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि मैंने बोला कि देखो ये 5' to 3' स्ट्रैंड है और हम प्राइमर लगा रहे हैं, प्राइमर लगा रहे हैं 3 to 5। देखिए कभी कभी बोलने में कैसा कंफ्यूजन है, तो आपको क्या देखना है, आपको प्राइमर की पोजीशन देख लो। आप प्राइमर की पोजीशन आपने देख ली, और जब आपने प्राइमर की पोजीशन देखी तो आप उसके ऑपोजिट देखेंगे, टेम्पलेट देखेंगे। तो आप यहाँ टेम्पलेट को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टेम्पलेट कैसा दिख रहा है आपको। अब इस टेम्पलेट को आप चाहे 5' to 3' पढ़िए, चाहे 3' to 5' पढ़िए, पर जब आप किसी चीज के सिंथेसिस करने लगेंगे, जब आपको प्राइमर मिल जाएगा, तो आप उसको और करेक्ट ऑर्डर वे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी कोई भी पूछ रहा। तो जैसे ही आपको वो प्राइमर बना के देगा तो आप कहेंगे 5 to 3' पर OH हमें मिल सकता है यहाँ, तो आप क्या कहेंगे कि ये दिस इज विल बी द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस और ये हमारा 3 to 5 टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो बोलने में भी क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्योंकि बोला तो किधर से भी जा सकता है, पर हम सिंथेसिस कैसे कर रहे हैं, 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है फिर टेम्पलेट को हम बोलेंगे 3 to 5। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे आप आराम से बोल सकते हैं 3 to 5 क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब आप बोले आप यहाँ पे तो आप नीचे से पढ़ रहे थे, पर भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड तो हमें 3 to 5 मिल रहा है, हम ये क्यों बोल रहे हैं टेम्पलेट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो 5' होगा, ये 5' पे फॉस्फेट है और यहाँ 3OH है, ठीक है, या यहाँ 3OH रहा होगा जब हम लोगों ने सिंथेसिस शुरू की थी, तो ये 5' to 3' सिंथेसिस हो रही है। तो इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं, 5' to 3' इस स्ट्रैंड में ये सिंथेसिस हो रही है, तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये 3 to 5 है। कुछ और टर्मिनोलॉजीज जो कि इसी इन्हीं बेसिक चीजों से हम लोगों को ध्यान में रखनी है, यस। तो हम लोगों ने टेम्पलेट के बारे में पूरा देख लिया, सारी चीजें देख ली, अब ना प्राइमर भी हम लोग जानते हैं, बट एक दो बातें हम लोग और ऐड कर लेते हैं।
तो जो आपको ये दिख रहा था, ये आपको जो दिख रहा था कि ये आपका टेम्पलेट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अब हम बोल सकते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम, चाहे जैसे भी बनाइए, और ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट आपको मिल रहा है कि ये आपके पास क्या है, सिंगल, ये क्या है आपका, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, और यहाँ पे आके ये डबल स्ट्रैंडेड, मतलब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये एक तरह से आपको क्या दे रहा है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। तो ये टर्म्स स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली, प्राइमर क्या दे रहा है, प्राइमर एक तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्रिएट कर रहा है, किसके साथ, सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट के साथ, और वहां पे वो क्या बना रहा है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। ठीक है, और इस प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के पास आपको क्या चीजें निकल के सामने आ रही हैं, कि ये जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है, ये आपको क्या दे रहा है, एक तो दे रहा है यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आगे अवेलेबल होगा इस जंक्शन। भाई जंक्शन क्या है, दो जगह जहाँ मिल रहे हैं या अलग हो रहे हैं, तो ये जो जंक्शन है इसके आगे क्या हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अवेलेबल है। और यही अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करने में मदद करेगा, डायरेक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, प्राइमर जो है लास्ट में, जो प्राइमर लास्ट में है वो उसको 3 प्राइम OH ग्रुप दे रहा है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि ये जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है, इसके दो की कंपोनेंट है। पहला क्या है, आगे जंक्शन के आगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे जो कि बेसिस प्रोवाइड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है, प्राइमर अवेलेबल हो रहा है। प्राइमर जो है वो क्या करेगा, वो लास्ट जो है न्यूक्लियोटाइड वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, 3 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। ठीक, ये बहुत बहुत जरूरी है, जिसको लेके फिर ये एक्सटेंशन करेगा। तो अब आपके पास, अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्राइमेज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, जो कि प्राइमर ऐड कर रहा है, यही जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर ऐड कर रहा है। ठीक है, तो द आरएनए पॉलीमरेज डू व्हाट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए पॉलीमरेज वो करके दिखा रहा है जो डीएनए पॉलीमरेज कर ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता, डीएनए पॉलीमरेज नई आरएनए चेन्स को खुद ब खुद शुरुआत नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता। तो आरएनए पॉलीमरेज़ पहले आरएनए चेन्स जो हैं वो ऐड करने, डी नोवो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट अ डी नोवो सिंथेसिस, बट आरएनए पॉलीमरेज कैन स्टार्ट इट। तो प्राइमेज है क्या, ये स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज है। अब आप लोगों को याद क्या होना चाहिए, रिकॉल कर लीजिए कि इट इज़ अ काइंड ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मैं कई बार बोल रही हूँ कि ये सारे जो जो भी एंजाइम होते हैं, पॉलीमरेजेस एंजाइम, वो किस तरह का फीचर दिखा रहे हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक, और याद में, और दूसरी चीज, जो प्राइमेज शुरू में ऐड हो रहा है वो कितने बेस पेयर का होता है, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दीज प्राइमर्स आर एक्सटेंडेड बाई डी एन ए पॉलीमरेजेज, ऑल दो डी एन ए पॉलीमरेजेज इनकॉर्पोरेट ओनली डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जो प्राइमेज ने प्राइमर ऐड किया है वो आर एन ए है, तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है, पर डी एन ए पॉलीमरेज अब जो ऐड करेगा वो क्या होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, वॉट वी हैव सीन इन आवर डायग्राम्स। दे कैन इनिशिएट सिंथेसिस यूजिंग आइदर एन आर एन ए प्राइमर और अ डी एन ए प्राइमर अनील्ड टू अ डीएनए टेम्पलेट। दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंटली ये याद रखनी है, जब हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये सब रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आना शुरू होती हैं, विच इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो ध्यान में क्या रखना है कि लीडिंग स्ट्रैंड की जब सिंथेसिस होती है तो उसमें एक ही प्राइमेज जो है एक ही प्राइमर ऐड करता है, और उसके बाद कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है। कैसे, विल सी।
लैगिंग स्ट्रैंड में जो प्राइमेज एंजाइम है वो कई प्राइमर जो है वो ऐड कर सकता है, कई प्राइमर ऐड करता है, जिससे कि क्या होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस हो पाती है। क्योंकि कई प्राइमर ऐड होना होता है, इसी ये भी एक कारण है कि लैगिंग स्ट्रैंड पे हर जगह शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो पाते हैं, जिनको आप बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो जब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो और क्लियर होंगे कि ये किस तरह से ये फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। पर आज की डेट में हमें ये क्लियर है कि प्राइमेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन फ्रैगमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। आई थिंक हाँ, एक और चीज़ है कि जो प्राइमेज है, एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि प्राइमेज जो है उसकी एक्टिविटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है अगर वो हेलिकेज प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाए। और हेलिकेज प्रोटीन होती क्या है, अनवाइंड करती है डीएनए को, अनवाइंड्स डीएनए, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्राइमेज की दो रिक्वायरमेंट हो गई। दो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हो गई, एक रिक्वायरमेंट हो गई जैसे डीएनए पॉलीमरेज की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो प्राइमेज की भी अपनी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि उसको एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, हेलिकेज प्रोटीन। तो वो उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आप क्या जानते हैं कि उसको एक थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, प्राइमर चाहिए, उसी तरह प्राइमेज को एक भाई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए, उसके बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके बाद वो जो है सिंथेसिस कर देगा। ये आपका बन गया आरएनए प्राइमर। किसने आके ऐड किया, दिस प्राइमेज एंजाइम। तो हम लोगों ने अपना ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आ रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज का एक पूरा ओवरव्यू आप ऑलरेडी ले चुके हैं, पर अभी हम लोगों को और उसमें चीजें जाननी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए डीएनए पॉलीमरेज शुरू करते हैं। थोड़ा सा फिर से याद रख लें क्या है, ओएच ग्रुप अटैक करेगा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर डीएनए पॉलीमरेज। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसके पास क्या होता है, एक एक्टिव साइट होती है। एंजाइम के पास क्या होता है, उनके पास एक्टिव साइट होती है, जहां से वो क्या होते हैं, रिएक्शन को ऑब्वियसली कैटलाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास कितने सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, कितने सबस्ट्रेट एक्चुअली में हो सकते हैं, उसके पास हो सकता है सीटीपी, जीटीपी, ये सारे हो सकते हैं सबस्ट्रेट, पर एक्चुअली में वो अपनी एक्टिव साइट के लिए किसी एक को सेलेक्ट करेगा, कोई भी एक सेलेक्ट होगा अकॉर्डिंगली, जो हम लोगों ने बात की थी कि उसको किसके साथ अकॉर्डिंगली, पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ, जो उसके साथ उसको पेयरिंग करानी है उसी को वो सेलेक्ट करता है, ठीक। क्योंकि उसकी पेयरिंग कैसे होनी है, बाई ग्वानिन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं, एडेनिन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं, तो इसलिए उसको ये डिटेक्ट करना होता है किसके साथ किसकी प्रॉपर पेयरिंग होगी एक्टिव साइट पे, और उसी को वो एज अ सबस्ट्रेट ट्रीट करता है, ठीक है, क्या करने के लिए, सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए या एक्टिव साइट पे अपने अंदर आने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है ये सेलेक्शन के लिए वो यूज़ क्या करता है कि जब तक, एक तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए होता है, फ्री थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्राइमर में जो प्रेजेंट है
और जो उसका अटैक करता है ये अल्फा फॉस्फेट के साथ, अल्फा फॉस्फेट पर ही अटैक करता है। याद होगा आप लोगों को कि अल्फा, ये जो हम लोगों ने बात की थी, अल्फा फॉस्फेट पर ही ऐड करता है। अल्फा फॉस्फेट किसके? इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये बात आ सकती है कि ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोटाइड या इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। तो प्राइमर ऑफ थ्री, प्राइमर ऑफ दिस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट, या ऑलरेडी अटैच, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी अटैच्ड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड विल अटैक अल्फा फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, या इनकमिंग और क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये चेकआउट करता है करेक्ट बेस पेयरिंग के लिए। अगर अगर मान लेते हैं एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ने वाला है, मान लेते हैं एडेनिन के साथ थायमिन आने वाला था बट उसकी जगह साइटोसिन आ गया, तो जैसे ही इनकरेक्ट बेस पेयरिंग जो है उसकी एक्टिव साइट्स पे डिटेक्ट होगी तो ये रिएक्शन तुरंत अनफेवरेबल होने लगेगा, तुरंत अनफेवरेबल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर अलाइनमेंट फेल हो जाएगा। तो क्या हमने कहा कि जैसे ही पैरेंटल स्ट्रैंड पे मान लेते हैं एडेनिन है, डॉटर स्ट्रैंड पे थाइमिन, या मान लेते हैं पैरेंटल पे ग्वानिन है या साइटोसिन है, अब यहाँ ग्वानिन आने वाला है, तो जैसे ही ये आएगा तो ग्वानिन और साइटोसिन ऑलमोस्ट प्रॉपर पेयर अप कर जाएंगे, प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे और एक्टिव साइट में किसी भी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस या कुछ इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो रिएक्शन फेवरेबल होगी। पर जैसे ही साइटोसिन की जगह मान लेते हैं एडेनिन या थायमिन जैसे बेसिस अगर आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से पेयरिंग पॉसिबली हो नहीं पाएगी, तो जब पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी तो ये अलाइनमेंट गलत होगा। ठीक है, तो जब पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, प्रॉपर पेयरिंग हो नहीं पाएगी रॉन्ग बेसिस की, तो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा। अलाइनमेंट मीन्स कि एक पोजिशन स्पेसिफिक किसी चीज़ का एडजस्ट हो जाना, अलाइनमेंट नहीं होगा तो रिएक्शन टोटली अनफेवरेबल होगा और अनफेवरेबल होने की वजह से क्या होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज की काइनेटिक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस बात को भी समझ लेते हैं जो बार बार हम लोग मेंशन कर रहे थे कि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो पाइरोफॉस्फेट रिलीज होता है, जैसे इसमें होता है, जब भी अल्फा फॉस्फेट पर अटैकिंग हुई, ठीक है, मैंने बोला था दो पाइरोफॉस्फेट, दो साथ में फॉस्फेट ग्रुप जब बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ऑलराइट, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, कनेक्टेड हो, तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, पाइरोफॉस्फेट। बाद में क्या होता है, ये पाइरोफॉस्फेट जो है हाइड्रोलाइज होके क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, यानी दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसका क्या मतलब हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिस इनऑर्गेनिक, तो इनमें, इसमें और इसमें अंतर है, तो ये ध्यान में देना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि न्यूक्लियोसाइड, मान लो कोई भी न्यूक्लियोसाइड, एक्स का मतलब है चाहे यहाँ साइटोसिन हो, थायमिन हो, एडेनिन हो, ग्वानिन हो, कुछ भी हो, तो वो ट्राइफॉस्फेट, और ये एक्स एम पी एन का मतलब क्या है, एक्स एम पी एन का मतलब क्या है, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड हैं, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक तरह से मोनोफॉस्फेट फॉर्म में है ना, क्योंकि इनके दो फॉस्फेट हट गए, यानी ये ऑलरेडी अटैच्ड मोनोफॉस्फेट है, एक ही फॉस्फेट है सभी के पास, तो ये ऑलरेडी अटैच्ड मोनोफॉस्फेट है। तो जो यहाँ हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली में वो क्या डिनोट कर रहा है कि ये ट्राइफॉस्फेट है
ऑलरेडी अटैच्ड मोनोफॉस्फेट है और आके जब एक जुड़ेगा XMPN+1 का मतलब क्या हुआ कि भाई यस यहाँ पे ये एक OH ग्रुप भाई ये अटैच था, मान लेते हैं कि ये XTP है, दिस वन इज ये क्या है, ये XTP है, इसमें XTP में कौन है, ये साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ये अटैच कहाँ हो रहा है, XMP, दिस इज XMP, कितने XMP हैं, N है। अब जब ये साइटोसिन अटैच हो जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ ग्वानिन है, अब यहाँ पे देखिएगा ये ग्वानिन अटैच हो गया, तो अब ये चेन क्या हो गई, XMPN+1 हो गई, अब ये चेन क्या हो गई, दिस इज XMPN+1 हो गई और इस दौरान जब ये अटैच हुआ तो इससे साइटोसिन से दो पाइरोफॉस्फेट रिलीज हुए होंगे। इस इक्वेशन में इसी तरीके से ये समझाने की कोशिश की जा रही है। आई होप क्लियर होगा XMPN+1, ठीक, और दो पायरोफॉस्फेट रिलीज करा दीजिए, तो ये एक्चुअली में रिएक्शन होता है। अब ये जो दो पायरोफॉस्फेट है एक्चुअली ये जो है फिर से हाइड्रोलाइज होते हैं, किसमें बताया, दो टूट जाते हैं और जो फिर एनर्जी रिलीज होती है तो प्रॉपरली ये रिएक्शन कंडक्ट हो पाता है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी जो अल्फा फॉस्फेट पे अटैक हो रहा है उससे नहीं, बल्कि जब ये दो पायरोफॉस्फेट टूट रहे हैं तो ये आपको एनर्जी मिल रही है, तो फाइनल जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन ये होता है। तो हमें दो ये पायरोफॉस्फेट ना लिख के क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से हमें एनर्जी मिली और ये रिएक्शन क्या होगा, फेवरेबल। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट इज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप एक बार थोड़ा सा उसका प्रूफ रीडिंग, जो काइनेटिक प्रूफ रीड, तो हमारे पास एक पॉइंट क्या हो गया, आपको जो डीएनए पॉलीमरेज पहला पॉइंट हो गया कि जो पायरोफॉस्फेट से ही है जब टूटने के बाद डीएनए के सिंथेसिस में क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पॉलीमरेज के बारे में क्या पता चली, वो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग एबिलिटी उसके पास होती है या एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मान लेते हैं ये उसकी एक एक्टिव साइट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, जो ऑरेंज के उस ब्लॉकेज में दिखाई गई, तो यहाँ पे पहले वाले डायग्राम में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे देखिए क्या ये डॉटर इस तरीके से नहीं, ये ऐसे रीड आउट करना है आपको, यहाँ पे क्या है, ये आपका पैरेंटल स्ट्रैंड है दिस वन, तो यहाँ पे क्या है 5'3'। अभी यहाँ पे ग्वानीन था, यहाँ के साइटोसिन लगा, ठीक है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमीन लगा, ठीक। तो अभी ये पैरेंटल स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ये सिंथेसिस हो रही है, तो एडेनिन से जब थाइमीन जुड़ा और यहाँ ग्वानीन से जब साइटोसिन ये अटैच हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो OH ग्रुप है वो पॉसिबली अटैक कर पा रहा है। आप देख रहे हैं दिस इज ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, दिस इज 3'-5', ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो OH ग्रुप है और यहाँ ये OH ग्रुप है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, उससे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है, ये कौन सा है, दिस इज रेटिनॉल 5' है, ये 3' OH। अब ये जो 3'OH पे, यहाँ पे क्या था, ये 3'OH पे ये अटैक कर रहा है, सॉरी 3'OH जो है अल्फा फॉस्फेट पे अटैक कर रहा है, दिस इज अल्फा फॉस्फेट पे अटैक कर रहा है, किस लिए अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या बनना है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि ये थायमीन को यहाँ जुड़ना है। तो अब आप देख रहे हैं जब इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आया, ये ऑलरेडी अटैच्ड न्यूक्लियोटाइड था, 5 से 3 की दिशा में सिंथेसिस हो रही है, इट्स समथिंग लाइक दिस, अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हो, 3'5'। तो यहाँ 3' पे क्या है,
क्या था, ग्वानीन था, और यहाँ पे क्या है, एडेनिन, और यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, तो 5 प्राइम यहाँ पे क्या है, अटैच हो गया है साइटोसिन। नेक्स्ट बेस यहाँ पे कौन लगना है, एडेनिन लगना चाहिए, और यहाँ पे ओएच ग्रुप है, यहाँ पे पॉलीमरेज जो है अब बाइंड किया हुआ है इस एरिया पे, ठीक। अब ये ओएच जो है, जो सॉरी थायमिन या टीटीपी आएगा, थायमिन ट्राइफॉस्फेट आएगा, और ये ओएच इसके अल्फा फॉस्फेट पे, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है थायमिन, और ये पूरा उसका, ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये है डी ऑक्सी टी टी पी। तो अब आप देख रहे हैं ये ओएच ग्रुप अल्फा फॉस्फेट पे इसके अटैक किया, और जैसे ही अटैक कर रहा है तो वो, क्योंकि करेक्ट बेस पेयरिंग हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि कितना प्रॉपरली ये एक्टिव साइट पे इसका ओएच ग्रुप एडजस्ट हो चुका है, यानी प्रॉपर बेस पेयरिंग क्या हो रही है, बहुत अच्छे से उसकी कैटालिटिक एक्टिव साइट पे एडजस्ट हो जा रही है। पर इफ सपोज थायमीन की जगह यहाँ पे एडेनिन आ गया, एडेनिन आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप 5 प्राइम लगा दीजिए, यहाँ पे ये फ्री ओएच है। अब जब यहाँ पे, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ओएच है ये एकदम फिट नहीं हो पाया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अलाइनमेंट सही नहीं है, एडेनिन एडेनिन पेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, जब पेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो अलाइनमेंट सही नहीं है, अलाइनमेंट सही नहीं है तो एक्टिव साइट पे ये ओएच ग्रुप भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो ओएच क्या कर रहा है, ओएच अल्फा फॉस्फेट पे अटैक ही नहीं कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन जो है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाएगी, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाएगी और रिजेक्ट हो जाएगा ये वाला एडेनिन। फिर तो इसी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग एबिलिटी। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज के पास एबिलिटी होती है आरएनटीपी और डीएनटीपी को डिस्टिंग्विश करने में। बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आरएनटीपी है, कि आरएनटीपीज जो होते हैं यानी राइबो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, वो जो है लगभग उनका कंसंट्रेशन 10 फोल्ड हायर होता है, 10 फोल्ड हायर होता है सेल में उनका कंसंट्रेशन, उसके बावजूद जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज आरएनटीपी और डीएनटीपी में अंतर कर पाता है। आरएनटीपी क्या हो गया, आई होप सभी को पता होगा, फर्स्ट पे यहाँ पे हम बेस कर दें, यहाँ पे ओएच ग्रुप लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट, ये क्या हो गया हमारा आरएनटीपी हो गया। बस यहाँ पे एक ओएच ग्रुप नहीं लगा रहेगा सेकेंड कार्बन पे, तो फिर ये क्या हो जाएगा डीएनटीपी। अब सोचिए सिर्फ इस चीज को वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे वही फिर से डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट को दिखाया गया है, और आप यहाँ पे अंतर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ओएच, एक ओएच दिख रहा है जिस, जो कि आराम से कैटालिटिक साइट पर एडजस्ट हो गया है, ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ओएच होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, स्टीयरिक हिंड्रेंस कॉज होता है, यहाँ पे 2 ओएच की वजह से क्या होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस कॉज होता है और पॉलीमरेज की एक्टिव साइट पर, और इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो इस तरीके से दिखाया गया है, पॉलीमरेज की एक्टिव साइट में ही 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस है ये एक्चुअली ऑक्यूपाइड कौन करता है, 2 अमाइनो एसिड जो एक्चुअली में इस रिंग के साथ क्या बनाते हैं, वैंडरवॉल इंटरैक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक। पर जैसे ही अब ओएच ग्रुप आ गया तो क्या ये अब क्रिएट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और स्टीयरिक हिंड्रेंस अलग से क्रिएट हो गया। तो दिस इज द रीजन कि आरएनटीपीज आराम से ये रिजेक्ट कर पाते हैं और करेक्ट डीएनटीपीज ही क्या होते हैं, वहां पे जुड़ते हैं, ठीक है। तो अगर अगर इन डिस्क्रिमिनेटर साइट को आप बदल दें तो क्या होगा कि
कि फिर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ग्लूटामेट यहाँ है और उसकी जगह एलेनिन, जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है कि ग्लूटामेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ग्लूटामेट की जगह एलेनिन यहाँ पे आ जाए, तो अब क्या होगा कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो साइट है, एक्टिव साइट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और इस तरीके से फिर वो उसकी एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो पता चला वो डीएनए की जगह आरएनए ऐड करने लग रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो हम तो आपको जो कलेक्टिवली एक साथ सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए कि भाई हाइड्रोलिसिस होती है जो पायरोफॉस्फेट की, ठीक है, दैट प्रोवाइड ड्राइविंग फोर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्या टर्म आया है, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग एबिलिटी होती है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। एक तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी कि वो डिस्क्रिमिनेट भी कर लेता है, डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी होती है किसको, आरएनटीपी और डीएनटीपी को। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये रिसर्च और प्लस एनालिटिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ पोर्शन है। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा आप उसको इन केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, तो उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर उन रिक्वायरमेंट्स को रोक दिया जाए तो डीएनए सिंथेसिस क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक, और इलोंगेशन मतलब टर्मिनेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं, अचानक इनहिबिशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जहाँ पे रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो क्या जैसे कि कैंसर, ठीक, या कुछ ऐसे वायरस होते हैं जैसे केस है एचआईवी का, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो वायरस के केस में वायरल रेप्लिकेट कर रहा है, तो आप ऐसे ड्रग्स बनाएंगे कि जिससे कि भाई उसकी डीएनए सिंथेसिस को रोक दिया जाए। हालांकि वायरस के पास क्या होगा, मान लेते हैं आरएनए होगा, पर फिर वो जीनोम में जाने के बाद डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके कॉपियां बनाने लगता है, तो उसको रोक दिया जाए, ऐसा कुछ आप ड्रग डेवलप करें। कैंसर में तो ऑब्वियसली बात है, कैंसर में हम जानते हैं कि अपने जैसे काफ़ी ज़्यादा वो मल्टीप्लाई कर रही है, तो मल्टीप्लिकेशन के समय जब सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं और अपने ही जैसी कॉपीज़ बना रही हैं, तो अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए उन्हें अपने जैसा डीएनए भी बनाना होगा, तो आप उनके डीएनए की सिंथेटिक एक्टिविटी को रोक दीजिए, ऐसे ड्रग बनाएं। तो क्योंकि हमारे पास अब एक आइडिया है कि डीएनए सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको अगर हम समझ लेते हैं और उनको हम लोग रोक दें, तो हम इस तरह के ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं लाइक एंटी कैंसर एंड एंटीवायरल एजेंट्स, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली डीएनए रेप्लिकेशन को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो दिए गए हैं, आप इनके स्ट्रक्चर्स थोड़ा देख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप देयर नेम इन योर माइंड, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके दिमाग में अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो दिस वन इज, तो ए क्या है, दिस ए इज 5-fluoro-uracil, बी इज 6-mercaptopurine, एंड सी इज साइटोसिन अरेबिनोसाइड, डी इज सिसप्लास्टिन, ई इज बिसक्लोरोइथाइल नाइट्रोसोयूरिया, राइट, एफ इज AZTB बोलते हैं या एजिटोथायमिडीन एंड ए साइक्लोवीर, ठीक है। तो ये सभी कुछ नाम तो बहुत ही फेमस हैं, जैसे AZT, ए साइक्लोवीर, ये या 5-fluoro-uracil, ये सब बहुत ही फेमस नाम है जो कि एज टारगेट यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना ज़रूरी है, तो अगर हम लोग अभी हम लोगों ने बात क्या की थी कि बहुत सारे क्या दिए जाते हैं, हम लोग टारगेट कर सकते हैं कैंसर के केस में, तो जो भी कीमोथेरापेटिक ड्रग्स दी जाती हैं तो उनमें कुछ इसी तरीके के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे कि एग्जांपल भी है 5-fluoro-uracil एंड 6-mercaptopurine, ये एक तरह से एंटी कैंसरस ड्रग्स ही हैं,
राइट right? और एक्चुअली ये होते क्या क्या हैं, इनके नाम से ही आप देख लें, दिस इज 5 फ्लोरो यूरासिल एंड दिस इज 6 मरकैप्टो प्यूरिन। और ये क्या है, एक तरह से आप देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड के प्रिकर्सर्स ही हैं, मतलब एनालॉग्स हैं, है ना, यूरासिल की ही तरह है, उसी उसी तरीके का। यानी कि कहने का सेंस क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं यूरासिल है, थायमीन है या एडेनिन है, तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर वाला ड्रग आप डेवलप कर लें, उनका एनालॉग डेवलप कर लें, तो अब पता चला एटीपी की जगह ये ऐड हो जाए, इस तरह के ड्रग्स ऐड हो जाए, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक एक्टिविटी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, दीज आर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स। और हम लोग देखते ही आए हैं कि भाई डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए डीएनटीपीस चाहिए। तो अब डीएनटीपीस कौन से हैं, चार हम लोग जानते हैं, टीटीपी, सीटीपी, एटीपी, जीटीपी। पर उनके जैसा कोई और ड्रग आपने इंटीग्रेट कर दिया और सिंथेसिस के दौरान ये ड्रग जाके इंटीग्रेट हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए 5-फ्लोरोयूरासिल जो है वो बेसिकली कोलोरेक्टल कैंसर के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, या स्टमक, पैनक्रियाटिक या ब्रेस्ट कैंसर, इन सब के, राइट, देयर सो मेनी, स्टमक, पैनक्रियाटिक, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है। और जो 6-मरकैप्टोप्यूरिन है वो मेनली ल्यूकेमिया का केस, मीन्स ब्लड कैंसर में ये दिया जा रहा है एज एंटी कैंसर ड्रग, राइट। उसके बाद है आपका साइटोसिन अरबिडोनोसाइड, इसको ARAC इस तरीके से भी लिखा जाता है। और ये एक डीऑक्सीसाइटिडीन है, ये क्या है, डीऑक्सी मीन्स समझ रहे होंगे, साइटोसिन का ये एक एनालॉग है, डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये स्पेसिफिक आपको पता चल गया, तो ये DCTP की जगह क्या ऐड हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन ऐड हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है इनकरेक्ट पोजीशनिंग होगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे आप ऑक्सी ग्रुप आपने हटा दिया है, तो जिसकी 3' से, तो क्या होगा, वहाँ पे सिंथेसिस इसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगी। तो सेम वही चीज़ है, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक, दिस नेक्स्ट है आपका सिसप्लैटिन और बिसक्लोरोइथाइल नाइट्रोसोयूरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लोग जो हैं इंट्रा स्ट्रैंड एंड इंटर स्ट्रैंड डीएनए क्रॉसलिंक करते हैं, जहां पर भी क्या है, ग्वानिन रेसिड्यूज साइड बाय साइड है। ठीक है, अगर ग्वानिन ग्वानिन एकदम साइड बाय साइड अरेंज है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ इंट्रा स्ट्रैंड या इंटर स्ट्रैंड डीएनए क्रॉसलिंक्स ये करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए इलोंगेशन क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली सिसप्लैटिन जो है वो यूज होता है मेटास्टैटिक टेस्टिक्यूलर कैंसर में, और ये जो है शॉर्ट में BSNU कहते हैं, और ये मेजरली यूज हो रहा है ब्रेन ट्यूमर या ल्यूकेमिया के केस में। अब हम लोग आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आई थिंक आप लोग जानते होंगे, एजाइडोथाइमिडीन means AZT,
एजाइडोथायमिडीन ये जो है सबसे पहला ड्रग था जो कि एचआईवी के लिए डेवलप किया गया था और इफेक्टिव भी था, बट फिर बाद में इसको हटा दिया गया। और एक्चुअली इसमें इसमें थायमिडीन का एनालॉग था, यूज़ किया गया था, थायमिडीन का एनालॉग यूज़ किया गया था। और ये थायमिडीन एनालॉग क्या करता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो उसको ब्लॉक करने में हेल्प करता था। क्योंकि अब इसमें होता क्या है भाई, एचआईवी में क्या है, वायरस ने आरएनए जो है इंटीग्रेट किया ह्यूमन जीनोम में, ठीक, फिर आरएनए से वो डीएनए की जो कॉपी बन रही है उसको स्टॉप करने में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी को स्टॉप करने में इस AZT का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है। तो हालांकि अब ये यूज़ नहीं होती है। और अब हम लोग आते हैं ए साइक्लोवीर के ऊपर, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ए साइक्लोवीर को समझते हैं, सपोज दिस इज अ सेल, सपोज दिस इज अ सेल, तो क्या होता है कि वायरल काइनेज यानी वायरस के पास जो काइनेज प्रेजेंट है, ये ए साइक्लोवीर इज द ड्रग, ठीक है। इस वायरल काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ए साइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो सेल्यूलर सेल में आ चुका है, राइट, अब सेल्यूलर काइनेजेस जो है उसको डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर एक और एक्टिविटी होती है, और फाइनली ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए साइक्लोवीर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो ए साइक्लोवीर है वो किसकी तरह दिख रहा है, ग्वानीन की तरह, किसकी तरह दिख रहा है, ग्वानीन, तो ये ध्यान में रखना है किसकी तरह दिख रहा है, ग्वानीन में। पर आप यहाँ पे एक चीज और देखें तो यहाँ पे जो राइबोस की जो चेन है वो खुल गई है, खुली हुई है, ओपन चेन है। इसी का ये फायदा मिलता है कि अब आप देखिए यहाँ पे साइटोसिन है, ऐड हो रहा है, एडेनिन आया। अब जैसे ही ए साइक्लोवीर ये ऐड होगा, पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स जो है ये ऐड करेगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अब आगे के लिए क्या इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा ही नहीं तो चेन आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो इससे क्या होता है, वायरल डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। क्यों? और क्योंकि और डीएनए चेन टर्मिनेट हो गया, क्योंकि अब वायरल पॉलीमरेज जो है वो ऐड ही नहीं कर सकता, फ्री थ्री ओएच ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। और ये एक और है कि यहाँ पे देखिए फिर से वही ए साइक्लोवीर और ये ग्वानोसिन में यहाँ देखिए अंतर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है ही नहीं, ये ओपन चेन है राइबोस की, तो ये थोड़ा टर्म याद रखिएगा, ओपन चेन होती है राइबेस की। अब यहाँ पे देखिए वायरस है, वायरस अंदर आया और आपने ड्रग लिया है, वो ड्रग आया वायरल एंजाइम ने क्या किया, पहले मोनोफॉस्फेट में उसको बदल दिया, फिर ह्यूमन एंजाइम्स यानी सेलुलर काइनेजेस की बात हो रही है, तो ह्यूमन एंजाइम भाई जिसको ट्रीटमेंट दी जा रही है तो उसका उसके अंदर जो सेल है उनमें जो काइनेजेस हैं वो एक्ट करके उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो ट्राइफॉस्फेट है फिर जो है आगे, क्योंकि इसके पास थ्री फॉस्फेट अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, तो चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। बात और थोड़ा आप याद रख सकते हैं, आई थिंक ये डिस्कस हुआ होगा, कैम्प्टो कैम्प्टोथिसिन और इटुपोसाइड, दीज आर इनहिबिटर्स ऑफ टोपो आइसोमरेजेस, क्योंकि इनहिबिटर्स भी आप लोग को काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये करते क्या हैं एक्चुअली, टोपोआइसोमरेज अगर याद हो तो टोपोआइसोमरेज ब्रेक कॉज करता है, ब्रेक कॉज करने के बाद सील भी करता है, तो ये सब डिस्कस हो चुका है। तो एक्चुअली दोबारा रीसील ही नहीं करने देते, तो जब जब डीएनए टू एक बार कटिंग हुई, कटिंग के बाद रीसीलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है, तो जब रीसीलिंग ही नहीं हो पाएगी तो डीएनए फिर अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसा ड्रग यूज़ किया जा रहा है जो कि ब्लॉक कर मतलब रीसीलिंग की एक्टिविटी ना होने दे, तो उससे क्या होगा, वो भी एक ड्रग की तरह टारगेट किया जा सकता है ये एक्टिविटी भी।